हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्गशीर्ष मास का शाम का मैं पूजा विधि बताऊंगी और एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। गाजर गाजर का हलवा बनाने का तैयारी कर लूँ और मैं साथ साथ बताते जाऊंगी और आपको पूरा इंग्रेडिएंट बताते जाऊंगी और बनाते भी जाऊंगी। तो चलिए से लास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संध्या पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। आपके साथ में ये रेसिपी मैं शेयर भी करती हूँ और साथ साथ बनाते भी जाऊँगी और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स शेयर भी करते जाऊँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले गैस को जला लेते हैं। इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। नहीं तो ये कढ़ाई में भी बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1 किलो गाजर लिया हुआ है, कद्दूकस कर लिया है धो के। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें दूध ऐड के, 1/2 लीटर का दूध है, मैंने गोकुल दूध लिया हुआ है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। और कुछ नहीं करना है, इसको हम 1 से 2 सीटी होने देंगे और ये सूखने तक, ताकि ये दूध अच्छे से इस पर सूख जाए, तब तक हम इसको इसमें चलाते रहेंगे। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है बस। अब इसमें कुकर की ढक्कन लगा देती हूँ और इसको एक सिंपल सा सीटी होने देती हूँ। सीटी होने तक मैं बाकी का तैयारी कर लेती हूँ। देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है और मैंने जो गाजर ये किया था, ये देखिए गाजर बॉईल कर दिया है और मैं एक से दो तेज पत्ता डालेंगे। कुछ नहीं करना, ये जितना जो डाला है हमने इसको फौंका मार देंगे। अब इसको फास्ट आंच पे मैंने इसको अच्छे से भूनना है ताकि ये अच्छे से दूध सारे ड्राई हो जाए। देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, अब इसे सिर्फ सुखाना है। ये सूखने के बाद में मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। देखिए, और ये 250 ग्राम मैंने खोआ लिया हुआ है, वो हम इसमें ऐड करते हैं।
भी वापस सॉफ्ट होगा। इसमें अपने अंदाजे से शक्कर डालिए, कम ज्यादा कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करते हैं। और ये काजू बादाम, काजू बादाम भी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको सारा हम भूनते हैं। थोड़ा सा हम सूखा करेंगे ताकि ये साइड से ना ऑयल निकलती है, तो आप समझ सकते हो कि ये रेडी हो गई है। अब ये थोड़ा और देखिए, ये सूख गई है और साइड साइड से ऑयल भी छोड़ रही है। देखिए ऑयली ऑयली कढ़ाई दिख रही है ना, तो समझ जाइए ये रेडी है। देखिए गाइस, गाजर का हलवा रेडी हो गया। तो मेरे इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको अब संध्या का पूजा विधि बताने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।